इसमें मैं वन ऑफ द विडोज़ का रोल निभा रही हूँ जो 30+ है और जो काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी थॉटफुल है और जो बातों में विश्वास नहीं करती हैं, जो कर्म पे विश्वास करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है बट उसको दिखाती नहीं है, अपनी इमोशन को बहुत कंट्रोल करती हैं, उसको अगर गुस्सा भी आता है या खुशी भी है तो सब कुछ वो दबा के रखती है, बट उसके एक अंदर से सोच है, कोशिश है जिसमें अगर सामने आए तो उस सोच को सकारात्मक रूप देगी। वो है कि जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ और जिस तरह से मेरे बचपन गया या मेरे सपने बिखर गए, आने वाली पीढ़ी को इस तरह से नहीं बिखरना चाहिए। किसी की ज़िंदगी से अगर एक मतलब द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप जो होता है हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बेटर हाफ गुजर जाने के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी पूरे सपने बिखर गए हैं। ज़िंदगी आगे भी निभानी होती है तो बहुत खूबसूरत ढंग से निभाना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी को इस तरह से गुजरना नहीं चाहिए। तो अगर आने वाली पीढ़ी सचमुच ये सीमा रेखा को क्रॉस करना चाहते हैं, लांघना चाहते हैं, तो मैं उसको मदद ज़रूर करूँगी उस पार ले जाने के लिए जहाँ खुशियाँ हों, ज़िंदगी हो, होप हो और सपने साकार होने का रास्ता हो, बेशर्ते सामने से हाथ बढ़ाने वाले कोई हो। तो ये उसकी सोच है, कोशिश है, कभी एक्सप्रेस नहीं करती मगर जब भी मौका मिला तो उसने उसको सकारात्मक रूप देने की कोशिश करती है। तो इस फिल्म में छोटी लड़की जो द मोस्ट यंगेस्ट विडो 8-9 साल की, उसका ऐसी एक हालात आ जाती है सामने तो उसको लगता है नहीं, इट्स इनाफ नाउ, उसको सचमुच उधर उस पार ले जाओ जहाँ रोशनी हो, खुशियाँ हो, ज़िंदगी हो, तो वहाँ वो भेज देती है। भारत के हालात को दर्शाती है ये फिल्म, जो पहले 1948 के 30s के टाइम पे होता था वो सारे हालात को दर्शाती है। फिर भी इंडिया के बाहर इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन इंडिया इस इंडियन कल्चर से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। क्योंकि मेरे इंडियन को देखने को मौका नहीं मिला इस फिल्म को। जब देखेंगे आई एम श्योर कि उन लोग बिल्कुल इसको उस नेगेटिव अप्रोच से बिल्कुल नहीं देखेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन्होंने देखी नहीं, कुछ धारणाएं बना ली हैं, वो भी कुछ लोगों ने बना ली है, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकती। और इसको ऐसा नहीं कि पूरे भारत के कोई नेगेटिव रूप को ही दिखाया, एक हकीकत को दिखाया, एक कोने का एक हकीकत को दिखाया जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिकली दिखाया गया है और बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत या किसी पॉलिटिकल या किसी सामाजिक इस तरह की कोई भी किसी भी कास्ट को पर्सनल अटैक या उनका इमोशन को हर्ट नहीं किया गया। हम काफ़ी ऐसे रियलिस्टिक काफ़ी कुछ हम रोज़ न्यूज़ में देखते रहते हैं, उसी तरह से आर्टिस्टिक ढंग से बहुत समझदारी के साथ इस फिल्म को बनाया गया और बहुत खूबसूरत ढंग से किया गया है। और आई एम श्योर जब फिल्म ऑडियंस देखेंगे उनको लगेगा कि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे को बहुत खूबसूरत ढंग से एक आर्टिस्टिकली कलात्मक तरीके से इसको पेश किया गया। पहले इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफ़ी विवाद उठा था, अब फिल्म की रिलीज वापस होने जा रही है, तो इस बार किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखा, बहुत रिलैक्स है और बहुत पॉजिटिव हैं हम। और जैसे रवि जी भी कह रहे हैं कि वो बहुत पॉजिटिव हैं कि और इसमें क्योंकि जैसे मैंने भी जब एक्सेप्ट किया इस फिल्म को तो मुझे कुछ कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे काफ़ी फिल्म किया है मैंने, इसी तरह से एक फिल्म है जो मेरे दिल को छुआ है कि ये सब्जेक्ट रियली गुड, नो डाउट दीपा जी के साथ काम करना चाहती थी, मौका मिला। और एट द सेम टाइम रोल में भी सचमुच ऐसा लगा कि इट्स वन ऑफ द वेरी गुड रोल, मुझे करना चाहिए, मैंने किया। उसी तरह से रवि जी ने भी जब फिल्म देखी तो उनको लगा ऐसी कोई इश्यू नहीं कि जिसको लेके मैं मुझे डाउट हो या डर हो कि मुझे सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए कुछ कुछ कदम उठानी चाहिए, तो वो बहुत रिलैक्स है, बहुत पॉजिटिव है कि ऑडियंस इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेंगे। एक अलग क्लास किस्म की एक गुड क्वालिटी फिल्म है जिसमें देख के सोचेंगे, महसूस करेंगे, घर जाएंगे तो ऐसे नहीं कहें मतलब कि आया गया, ऐसा नहीं लगेगा, कुछ महसूस करेंगे जरूर। फिल्म रिलीज़ पे है तो ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? वेरी मच, और बहुत, क्योंकि हमारा एज एन आर्टिस्ट
हम तब तक जिंदा हैं जब तक हम हमारे सामने ऑडियंस हैं, उनका रिएक्शन हमें देखें, अदरवाइज हमें हमारे काम कैसा है हम खुद जज नहीं कर पाते हैं, अच्छा है कि बुरा है। और जिस तरह से हर एक को लगता है कि अपना काम अकेले में चुपचाप बैठे और सोचे तो हर एक को अपना काम अच्छा ही लगता है, भले सामने आके नहीं कहें, बट ऑडियंस के जो रिएक्शन हो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। और उसके लिए मैं बस लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द रिएक्शन ऑफ माय ऑडियंस। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मगर बिल्कुल उनको हक है, अच्छा लगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा लगे तो बुरा कहेंगे। आज 2004 में ये फिल्म बनी और आज 2007 में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 9 मार्च को। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो थ्रिल्ड टू सी द रिएक्शन ऑफ माय ऑडियंस। एंड बिल्कुल मैं इंतज़ार में हूँ और बहुत पॉजिटिव हूँ कि उनको ये फिल्म रियली वो सराहेंगे और उनके बारे में सोचेंगे, महसूस करेंगे। आई एम जस्ट वेरी मच एक्साइटेड टू सी इट कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान में ये फिल्म दिखाई जा रही है। मैं खुश हूँ, हमारा वजूद हमारे ऑडियंस के टिके हुए हैं, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट। मुझे दीपा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसे और फिल्म करती हूँ उसी तरह से कोई भी एक रोल मेरे पास आया और जो रोल मैं रियली मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और रियली एक्साइटेड हूँ करने के लिए। एट द सेम टाइम दीपा जी खुद ऐसे डायरेक्टर है जो हम जैसे कलाकार काम करना चाहते हैं, तो बहुत एक्साइटेड थी। उसमें कोई सोच ही नहीं था या ऐसे कोई जहन में कुछ आया, मिक्सअप ही नहीं किया कि ये शबाना जी करने वाले थे ये, तो बाकी रोल की तरह ही मैंने लिया है कि मुझे इसको करना है, ना ही दीपा जी ने कोई ऐसा एहसास दिलाया। बट मैं उनको बहुत मानती हूँ, शबाना जी बहुत ग्रेट एक्ट्रेस है और वो शायद इससे बेहतर करते हैं, बट मैं मिक्सअप नहीं करती हूँ इस चीज़ को, तो मैं अपने और रोल की तरह टोटली इंडिपेंडेंट तरीके से इसको दिया। मतलब ही इज़ ग्रेटनेस, सो नाइस ऑफ हिम कि वो मेरी इतनी तारीफ करते हैं। विदेश में भी जितने इंटरव्यूज़ होते हैं वो पहले कोई भी एक्ट्रेस के नाम लेते हैं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद दैट एक्ट्रेस दिस दैट एक्टर, तो ही ऑलवेज इज टू से कि यू शुड आस्क मी अबाउट वर्किंग द एक्सपीरियंस वर्किंग विद सीमा बिस्वास। बट आई डोंट नो, बट मैं रोज़ सोचती हूँ ही सो ग्रेट कि वो इतनी तारीफ करते हैं, सो नाइस ऑफ हिम। बट एज एन एक्टर आई मस्ट से कि बहुत, इसीलिए नहीं कहने कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, बट रियली ही इज़ वेरी गुड एक्टर। और हम तो काम करते हैं तो बहुत एफर्ट दिखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बट वो इतने एफर्टलेसली सो नॉर्मली रिलैक्स वे अपना परफॉर्मेंस करते हैं। और इस वाटर में आप देखेंगे इतने खुश हो जाएंगे कि इतने हार्ड हिटिंग मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स है, इसी बीच में जब जब जॉन आते हैं तो हम जॉन को नहीं देखते, नारायण जो कैरेक्टर का नाम है, एक इंतज़ार में रहते हैं कि फिर से वो आ जाए, नारायण आए और हमें खुशियां दें। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उनको निभाया और बहुत डिसिप्लिन, हाईली प्रोफेशनल, हाईली डाउन टू अर्थ एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बींग, सब लोग जानते हैं इस बारे में। सो वेरी स्वीट बॉय रियली एंड गॉड ब्लेस हिम। The shooting took place almost 3 months. Yeah. In her every film, I would love to work with her under any condition. बहुत enjoy किया उनके साथ काम करना, और ये कोई personal रिश्ता नहीं है, ये मैं mix up नहीं करती हूँ कभी, but I really enjoy working with her. और मैं जैसे मैं अभी काम बात नहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ कि उनकी किस प्रोजेक्ट में मैं क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि जब काम शुरू हो जाए तो आप लोगों को पता चलेगा। सो आप
मैं बिल्कुल, मैं अपना कोई सीमा रखा बांधती नहीं हूँ कि ऐसे कि मैं इस फिल्म में काम करूँगी, इस तरह की फिल्म में काम करूँगी और इस तरह की फिल्म में काम नहीं करूँगी, ऐसा कोई मेरा विचार या ऐसा कुछ धारणाएं मैं बिल्कुल नहीं बनाया। और जिस तरह के रोल जाते हैं, जिस रोल में मैं पसंद करती हूँ मैं करती हूँ उन फिल्मों में। और उसके भी काफ़ी क्राइटेरियाज होते हैं कि कभी मेरा दिल कहता है कि यस आई शुड बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इसकी सब्जेक्ट इतनी अच्छी है। और इसमें कभी कभी बार ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं कि आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, तो तब भी इसीलिए करती हूँ। काफ़ी बार ऐसे होता है कि को एक्टर्स ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं कि फील लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, तो मैं काम करती हूँ। और एट द सेम टाइम मैं, मेरे पास जिस तरह के ऑफर्स आते हैं वैसे ही काम मैं कर सकती हूँ। और शायद जो भी ऑफर्स में ऐसे वैरायटी ऑफ इमेजेस मेरे बारे में सोचा नहीं होगा इसीलिए नहीं आते होंगे, बट कुछ एक आते हैं जो मैं खुद को रिपीट रोल्स समझती हूँ, जो मुझे अपने आप को रिपीट करना उतनी एंजॉय नहीं करती हूँ शायद बीइंग अ थिएटर पर्सन। सो बट वैरायटी ऑफ रोल्स आई एंजॉय, कॉमेडी रोल करना मैं बहुत पसंद करती हूँ। शेखर जी ने मुझे बैंडिट क्वीन में जब चूज़ किया था तो मैं आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले कर रही थी, उसी प्ले को देख के उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिस्ट से, खूबसूरत बहू डायरेक्टेड बाय रंजीत कपूर, ही इज़ वेरी गुड डायरेक्टर एंड वेरी गुड हाईली टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर, खूबसूरत बहू इज नेम, यस। सो मैं अपने आप को कभी बांधती नहीं हूँ और मैं बिल्कुल हर किस्म की फिल्म में हर किस्म के रोल करना बिल्कुल पसंद करती हूँ। अभी हैं मधुबाला, बहुत सारे हैं, मधुबाला हैं, मधुबाला जी, नूतन जी, फिर वाहिदा जी हैं, फिर माधुरी जी, श्रीदेवी जी एंड काजोल और अमिताभ जी, आमिर खान जी, ऐसे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं विमेन, या